ये बहुत ही अनप्लान वाला ट्रिप था हम दोनों का, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो पे थोड़ा वॉइस जो है थोड़ा सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने माइक नहीं लिया है, बट मैं आप लोगों को सबटाइटल दे दूँगा, तो सबटाइटल देख कर आप लोग समझ जाइएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही महीनों के बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि मैंने कहा था कि व्लॉगिंग वीडियो मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, तो कुछ कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था यूट्यूब पे, और तभी मैं डिब्रूगढ़ पे था। तो अभी फिलहाल हूँ मैं अभी नमसाई पे, यहाँ पे मैं आते रहता हूँ, बट यहाँ का जो जगह है मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने सुना है कि नमसाई पे बहुत ज्यादा जगह है घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। तो अभी आज हम जाने वाले हैं गोल्डन पगोडा पे, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग मानते हैं, बहुत ही रिलीजियस जगह है, वहाँ पे हम जाएंगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे तुंगताव रिजोर्ट पे। मैंने वहाँ नहीं घुमाया क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया है कि बहुत अच्छा रिजोर्ट है, और अभी फिलहाल हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया है, तो वहीं पे जाकर हम ब्रंच करेंगे, सीधा ब्रेकफास्ट प्लस लंच, और उसके बाद वहाँ का जो नज़ारा वगैरह है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और अभी मैं हूँ अपने फ्रेंड के रूम पे, और अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ जाने वाला हूँ स्कूटी से, और अभी हमने ले लिया है हेलमेट, सेफ्टी फर्स्ट, अभी हम निकलने वाले हैं, 12 बज चुका है, तो सीधा आप लोगों से मुलाकात होगी सीधा गोल्डन पगोडा पे। गाइस, ये होटल नमलव है, ये नया रिनोवेशन हुआ है हाल ही में, तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से होके जाएंगे, ये बाजार के बीच में है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं एक बड़ा नेविगेशन बोर्ड दिया गया है, गोल्डन पगोडा चोखम परशुराम कुंड हेवलियांग वालोंग केबीतु यहीं से होके जाता है, और साथ में डिस्टेंस भी मेंशन किया गया है। फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं जहां मंजिल था, मैंने कहा था कि गोल्डन पगोडा पे आएंगे, तो अभी हम यहां पे पहुंच चुके हैं फाइनली। और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे वेलकम टू कोंगमू खम लिखा है, शायद ये खमती भाषा से लिखा है। तो अभी वो आप देख सकते हैं वो बड़ा सा गेट जो है, वहां से अभी हमें एंट्री करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा गेट, वहां से होकर जाएंगे अंदर पे पगोडा, यहाँ पे पहुंच चुके गोल्डन पगोडा पे। तो यहाँ पे एंट्री करने से पहले सबसे पहले हमें टिकट कटवाना है यहाँ पे, और पार्किंग जोन यहाँ पे है, यहाँ पे हमने पार्क कर लिया है अपना स्कूटी। और एंट्री फीस कितना है? 20% है, और प्लस पार्किंग जोन को मिला के हम दोनों के दो आदमी हैं, तो इसीलिए मिला के अभी 50 हो गए है। तो इसका एंट्री का टाइम है मॉर्निंग 8 AM से 6:30 PM तक, बहुत ही ज्यादा टाइम है, तो अभी हम घूमने जा सकते हैं अंदर पे। और टिकट मैंने ले लिया है 20 rupees करके है अंदर, तो चलिए अंदर की ओर अंदर चलते हैं। बनाकर भूल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना सुंदर से ये बनाया गया है, ये जो इसीलिए इसे गोल्डन पगोडा कहा जाता है क्योंकि ये सोना से पूरा रंगीन है अंदर पे। गेट वगैरह भी आप देखिए, ये है एंट्री गेट, तो अंदर चलकर पता करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो प्लांटेशन भी आप देख सकते हैं, ये सब देखिए बहुत ही अच्छा है, पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही अलग अलग तरह का ये प्लांटेशन यहाँ पे किया गया है, बहुत ही सुंदर है देखने के लिए, बहुत ही मौसम है यार। मैंने बस वीडियो पे देखा है, आज मैंने अपने आंखों से देख लिया, वीडियो पे देखना और अपने आंखों से देखना बहुत ही अंतर है। हम विजिट करने आए वो जगह है, तो वहाँ पे विजिट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ का जो छोटा छोटा जो जगह है, स्टेचू वगैरह और बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे घर बनाया गया है, हम पहले देख लेंगे और लास्ट में जाएंगे वहाँ पर पगोडा पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है चाउ छली मैन मेमोरियल लाइब्रेरी गोल्डन पगोडा, शायद ये लाइब्रेरी है जो आप देख सकते हैं इसके पीछे। आइए यहाँ पे देखिए इनके नाम, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा चाउ छली मैन, इनके नाम से लाइब्रेरी खोला गया है यहाँ पे, और यहाँ पे साफ लिखा गया है डू नॉट टच द स्टेचू, आप लोग को छूना नहीं है, बिल्कुल यही से आप लोग को देखना है, बहुत ही सुंदर यहाँ से बनाया गया है। जैसे कि आप उसके कपड़े देख सकते हैं, वो एकदम जो यहाँ पे लोकल ड्रेस है पूरा उसकी तरह है, और ये जो बड़ा सा छत है ये छतरी का काम किया जाता है, ये धूप से बचने के लिए, स्टेचू को बचाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हैं वो है शायद रेस्ट रूम वगैरह, क्योंकि एसी वगैरह लगाया गया है। और अभी आगे आइए, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा ग्लास रूम है, देखिए ग्लास से बनाया गया है, यहाँ पे बड़ा सा जो ग्लास मैंने घर बता रहा था वो असली में है क्या,
वो है क्या मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आओ यहाँ में देखिए, यहाँ पे बड़ा सा लिखा गया है हो मंतप कल्चरल हॉल। असली में ये है एक बड़ा सा कल्चरल हॉल। यहाँ पे एकदम साइलेंट यहाँ पे अंदर में घुसना है और बिना चप्पल पहने, यहाँ पे भी लिखा गया है वो देखिए। हमें यहाँ पे शूज वगैरह यहाँ पे उतार देना है, यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। चलो चप्पल उतार लो। यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्टेचू है बुद्ध भगवान का, एक है गोल्डन कलर पे और एक है शायद उसे बेम्बू या कैन से बनाया गया है। देखिए आप यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह का यहाँ पे बुद्ध भगवान का जो स्टेचू वगैरह है छोटा से लेके बड़ा, बहुत ही सुंदर में भी बहुत ही सुंदर है ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने अभी देखा है बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे एक टेम्पल बनाया है। चलिए सामने से देखते हैं। सडनली बहुत ही दुख की बात है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है नो एंट्री। तो अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन होगा या वगैरह कुछ कारण से ये बंद दिया गया है, तो अभी हम यहाँ पे घुस नहीं सकते। तो मैं सोच रहा था ये हॉल का नाम क्या है, तो यहाँ पे फिलहाल मुझे मिल गया है। ये देखो इसका नाम है कोंगमू खाम ऑर्डिनेशन हॉल। ये देखिए ससाना रखिता सीमा है डोनेटेड बाई, ये देखिए चावना मेन सर जो DCM है अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पे पूरा नाम दिया गया है। ये देखिए 7 या 8 नाम है, थाईलैंड से भी है। ये देखिए थाई डिवोटिस थाईलैंड से इसे डोनेट किया गया है। ये देखिए ये भी एक टेम्पल है, इसके अंदर में देखिए बुद्ध भगवान है, बहुत ही बड़ा सा बुद्ध भगवान है अंदर में, लेकिन इसे बंद किया गया है अभी, यहाँ पे एंट्री नहीं है। और इसे डोनेट किया है ये देखिए बहुत सारे लोगों ने, सैन फ्रांसिस्को से और जैसे कि मैंने बताया था लंगदाओ बुन ट्रेजर्ट, ये देखिए USA से आदमी ने इसे डोनेट किया है। इनका नाम है नोंग मुंगचालिंगता खोंगमू खाम है। ये देखिए बहुत ही बड़ा सा पोन जैसा है और यहाँ पे देखिए बुद्ध भगवान है एक सांप के ऊपर पे। और मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि जैसे हमारा होली फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर भी संकेन एक बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ नमसाई पे, और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो बुद्ध भगवान को मानते हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर होली की तरह यहाँ से पानी से होली की तरह यहाँ से फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे हम होली पर रंग लगाते हैं वैसे ये लोग यहाँ से पानी से एक दूसरे को मारकर यहाँ से फेस्टिवल को मनाया जाता है, छोटे छोटे बाल्टी लेकर आते हैं। शायद ये फेस्टिवल होता है मई के वक्त में, तो वहाँ पर आप आके यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा यहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। इसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर है जो एंट्री है, एंट्री पे ये भर दिया है ड्रैगन के स्टैचू को। अभी हमें यहाँ पे लिखा गया है प्लीज पुट योर शूज ऑफ, तो यहाँ पे हमें खुल देना है सैंडल, बिना सैंडल के अभी हम जाएंगे अंदर। शायद 4 या 5 जगह से एंट्री होता है, जैसे अभी हम घुस रहे वैसे और अलग जगह की भी एंट्री है। यहाँ पे बुद्ध भगवान का स्टैचू है, यहाँ पर आके बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे कामनाएं लेके आते हैं यहाँ पे, और फोटो वोटो खिंचाने के लिए, और फॉरेनर्स वगैरह भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डोनेशन बॉक्स है और मेरी तरफ से और मेरे जो फ्रेंड है कैमरा मैन है उनकी तरफ से मैं डोनेशन देना चाहूँगा 50-50, ज़्यादा है नहीं मेरे पास। बुद्धा भगवान के जो स्टैचू है एकदम पूरा डायमंड की तरह, ये देखिए ग्रीन कलर से पूरा चमक रहा है, बहुत ही सुंदर है पूरा। उसके बाहर में जो है सोने शायद सोना हो या शायद डायमंड वगैरह से पूरा उसे डेकोरेट किया गया है। और देखिए छत पे भी ये देखिए बहुत सुंदर है इनका जो डेकोरेशन वगैरह है अंदर का, इंटीरियर बहुत ही सुंदर है। चलिए अभी चलते हैं यहाँ से अभी बाहर की तरफ। फाइनली हमने एक्सप्लोर कर लिया है यहाँ का गोल्डन पगोरा टेम्पल, और अभी हमारा शूज वगैरह वहाँ पे हम रखे हैं, तो अभी यहाँ से होकर जाएंगे तुंगताओ रिजोर्ट पे, वहाँ पे हम लंच करने वाले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे और एक दो काम बच गया, यानी मैंने फोटो वगैरह खींचना थंबनेल पे, तो अभी हम खींच लेंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं तुंगताओ रिजोर्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा छोटा एक केबिन बनाया गया है, केबिन यानी कि घर जैसा ही है, तो आप वहाँ पर 1 नाइट स्टे कर सकते हैं। और वहाँ पर नाइट का मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि 2000, तो देख सकते हैं वहाँ पर हाउस नंबर भी लिखा गया है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा बुद्ध भगवान का स्टेचू है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग ही है जो बुद्ध भगवान को मानते हैं,
बोलोगे। और ये है रिसेप्शन, ये आप देख सकते हैं। और आने से पहले यहाँ रिजोर्ट पे घुसने से पहले सबसे पहले एंट्री फीस लिया जाता है, वो है 50 पर पर्सन। तो मेरा 100 हो गया था क्योंकि हम दो हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं नदी की ओर, वहाँ पे बहुत सारा केबिन है, बहुत ही सुंदर है वहाँ का नज़ारा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पर चलते हैं। चलिए नदी के पास आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं छोटा छोटा हट बनाया गया है, यहाँ पे मेरे फ्रेंड बैठ रहे हैं और वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारा जगह है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग नदी के यहाँ पर बैठ रहे हैं, ये देखिए वहाँ पे भी स्पेस है। अभी बहुत ही गर्मी है, मैं भी अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जाके नहाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर हम थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं ये नदी से होकर जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और जैसे कि मैंने बताया था ये ड्रिंक हाउस है, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस किया जाता है आप लोगों को जो कुछ खाना है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, एकदम नदी के बीच में है, आप लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर। ड्रिंक का मेन्यू यही है। और यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है नदी के बीच में, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए छोटा छोटा चेयर वगैरह है, यहाँ पर आप बैठ के ड्रिंक्स वगैरह कर सकते हैं। और खास करके ये गर्म सीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए ये बोट भी है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, पर अभी रिक्स लेना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे नदी थोड़ा बड़ा है। तो हमने ऑर्डर किया है, ये है लोकल राइस, तुपला भात इसे कहते हैं। और ये है चिकन बॉयल, और ये है पोक ड्राई फ्राई, एथनिक है, बेम्बूसेट के साथ है। तो अभी नहा के हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी क्योंकि बहुत ही गर्म था वेदर। और साथ में अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं आप लोग को रिमाइंडर देना चाहूँगा कि आप सभी अपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर आइएगा, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं किया था यहाँ पे नहाने का, तो बस हमने नहा लिया है। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप इस रिजोर्ट पे आ रहे हैं तो किसी जान पहचान को या कोई दोस्त को ले आइएगा, और नहीं तो कुछ पूछ कर आइएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही लंबा रास्ता है यहाँ से, चौखम से होकर आना पड़ा है मुझे, और 1 घंटा ज़्यादा लग गया है ये रिजोर्ट ढूंढते। तो यही मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, और बहुत ही जल्द आप लोगों से दूसरे वीडियो पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।